इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से हजारों सालों पहले जब सभी लोग खुशी से रह रहे थे तब फोस कबीले की रानी नाइनटेल ने अपने राजा को धोखा देकर पूरी सल्तनत पर कब्जा कर लिया। उसने अपने फोक्स राक्षसों से सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया जिससे पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल हो गया और एक बहुत ही खतरनाक जंग हुई। यह देखकर जिंगशू हॉल के मास्टर ने अपने सबसे निपुण और भरोसेमंद शिष्य जियांग जिया को फोक्स डेविल को पकड़ने के लिए भेजा। जियांग जिया ने नाइनटेल को एक खास तरह का कवच लगाकर उसे पकड़ लिया। इससे खुश होकर मास्टर ने उसे स्वर्ग आने का मौका दिया ताकि उसे सभी गोड्स का लीडर बनाया जा सके। जियांग जब स्वर्ग में पहुंचता है तो गोड ने उसे बताया कि फॉक्स डेविल नाइनटेल की सजा को माफ नहीं किया जा सकता, इसीलिए तुम्हें अपनी तलवार की मदद से उसे खत्म करना होगा जिसके बाद ही तुम देवताओं के लीडर बन पाओगे और जिंगशू हॉल के सभी शिष्य तुम्हारी बात मानेंगे। जियांग जिया फॉक्स डेविल नाइनटेल को मारने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही नाइनटेल को जियांग के सामने आया गया तो नाइनटेल ने अपने भ्रम से सभी शिष्यों पर हमला कर दिया, लेकिन जियांग ने उसे काबू कर लिया और वो जैसे ही नाइनटेल को मारने लगे तो नाइनटेल ने जियांग को एक इल्यूजन में फंसा दिया। नाइनटेल ने उसे बताया कि बेशक तुम मुझे मार तो दोगे लेकिन मेरे साथ ही ये मासूम लड़की भी मारी जाएगी। जियांग ने मास्टर को इसके बारे में बताया कि उस शैतान में एक मासूम लड़की है, लेकिन मास्टर ने उसे कहा कि ये तुम्हारा भ्रम है। लेकिन जियांग को विश्वास था कि वो मासूम लड़की सच में नाइनटेल के अंदर फंसी हुई है, इसीलिए जब नाइनटेल पर पवित्र अस्त्र से वार हुआ तो जियांग ने उस लड़की को बचाने के लिए नाइनटेल की आत्मा को आजाद कर दिया। इससे गुरुजी उससे काफी नाराज हो जाते हैं और वो उसकी सारी शक्तियाँ छीन लेते हैं। वो उसे कहते हैं कि जब तक तुम राक्षसों के भ्रम से आजाद नहीं होगे तब तक तुम्हें धरती के उत्तरी सागर में रहना होगा और जब तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा तो तुम वापस जिंगशू हॉल में आ सकते हो। फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पृथ्वी पर नाइनटेल की वजह से सारे इंसान खत्म हो चुके हैं, क्योंकि जब युद्ध हुआ था तो उसमें बहुत से लोग मारे गए और जो बचे वो भूख प्यास की वजह से मर गए, इसीलिए अब धरती पर सिर्फ राक्षसी राज किया करते हैं। वहीं हमें उत्तरी सागर में जियांग को दिखाया जाता है जिससे अब भी वही विजन्स आते हैं कि उसने नाइनटेल के अंदर जिस लड़की को देखा था वो कोई भ्रम नहीं था। तभी वहाँ जियांग का साथी शिष्य लियो भी आ जाता है जिसे गुरुजी ने उसे जियांग पर नजर रखने के लिए भेजा था। वो जियांग जिया को कहता है कि तुमने जो देखा था वो तुम्हारा भ्रम था, इसीलिए वो उन्हें जिंगशू हॉल चलने के लिए मनाने लगता है, लेकिन जियांग उसकी बात नहीं सुनते और उसे वापस जिंगशू हॉल जाने को कहते हैं। तभी वहाँ उनका पेट फोर लेग भी आ जाता है जो एक बहुत ही बड़ा जादुई क्रिएचर है, लेकिन वो जियांग के साथ आने की वजह से वो अपने नॉर्मल रूप में आ गया था। जियांग खाना खाने के लिए एक बार की तरफ जाते हैं जहाँ पहले से बहुत से राक्षस मौजूद थे। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम जोई होता है। ये वही लड़की होती है जिसे जियांग ने नाइनटेल फोक्स के अंदर देखा था। जियांग उस लड़की को वहाँ देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी जोई सभी से पूछती है कि मुझे एक जगह की तलाश है जहाँ काले फूल खिलते हैं, तो उस बार का ओनर कहता है कि तीनों लोकों में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ काले फूल खिलते हैं। तो जोई उसे पूछती है कि क्या तुम्हें उस जगह का पता है कि वो जगह कहाँ है, लेकिन उसे कुछ नहीं बताता। तो जोई उसे पैसों का लालच देती है तो उसे बताता है कि काले फूल माउंट योडू पहाड़ पर खिलते हैं और वो उसे उस जगह का नक्शा बताता है, लेकिन जब वो उसे पैसे लेता है तो उसमें पैसों की जगह पत्थर होते हैं। लेकिन जोई चालाकी से वो नक्शा लेकर वहाँ से भागने लगती है और उस बार की बहुत सी कीमती चीजें नीचे गिरा देती है जिससे वहाँ हर तरफ क्योस मच जाता है। जोई उस नक्शे को लेकर भागने लगती है मगर तभी वो मैप नीचे गिर जाता है। जोई उस मैप को लेने की कोशिश करती है लेकिन तभी फोर लेग उस मैप को निगल जाता है। तभी बार का ओनर जोई पर अटैक कर देता है जिससे जोई का मास्क खुल जाता है। सभी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि वो एक फॉक्स डेमन है। सभी उस पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं लेकिन तभी जोई फोर लेग को लेकर वहाँ से भाग जाती है। जियांग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है लेकिन तभी जिया उत्तरी सीमा के बाहर चली जाती है और जियांग उसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि वो उत्तरी सीमा की दूसरी तरफ नहीं जा सकते थे क्योंकि देवताओं ने उन्हें उत्तरी सीमा में रहने की सजा दी थी। तभी लियो भी वहाँ पहुँच जाता है और वो जियांग से कहता है कि अच्छा हुआ कि तुमने सीमा पार नहीं की, नहीं तो ये जिंगशू हॉल की तोहिन होती। लेकिन तभी जियांग जोई को पकड़ने के लिए सीमा से बाहर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी करके सच्चाई जाननी थी कि असल में वो लड़की कौन थी। लियो को बहुत गुस्सा आता है और उसे रोकने के लिए जाने लगता है लेकिन तभी दूसरे राक्षस उसे गलती से बेहोश कर देते हैं। वहीं जियांग एक जंगल में पहुंचते हैं जहां उन्हें जोई नजर आ जाती है और उस पर हमला करके उसे पकड़ लेते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाइनटेल के साथ क्या संबंध है, तो वो कहती है कि मैं नाइनटेल के बारे में कुछ नहीं जानती, ये कहकर वो वहां से भागने लगती है। तभी वहां बहुत सारे फॉक्स डेमन आकर जोई को पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। जियांग जोई को बचाने की काफी कोशिश करते हैं और वो आग की मदद से उन फॉक्स डेमन को भगा देते हैं। वो जोई से पूछते हैं कि वो राक्षस तुम्हारे पीछे क्यों थे, तो जोई उन्हें कहती है कि जब से मेरी
मेरी आँख खुली है, तब से वो राक्षस मेरे पीछे है और मुझे मेरे अतीत के बारे में कुछ ज्यादा याद नहीं है। बस मुझे इस ब्रेसलेट से कुछ विजन्स आते हैं जिसमें मुझे मेरे डेड दिखाई देते हैं जो उस काले फूल वाली जगह पर थे, इसीलिए मैं उस जगह पर जा रही हूँ ताकि मैं अपने डेड को ढूंढ सकूँ। तभी फोर लेग जियांग को मैप देता है जिससे वो भी माउंट योडू पहाड़ पर जाने का डिसाइड करते हैं ताकि वो सच्चाई का पता लगा सके कि असल में जोई कौन है। अगले दिन वो सफर पर निकल जाते हैं। जोई जियांग से पूरे रास्ते मैप लेने की कोशिश करती है लेकिन हर बार फोर लेग उसे रोक लेता है। जोई को फोर लेग पर बहुत गुस्सा आता है और उस पर गुर्राने लगती है, तो फोर लेग जोई का बैग लेकर वहाँ से भागने लगता है। तभी वो वहाँ एक खंडर जगह पर पहुँचते हैं जहाँ बहुत सारे हड्डियों से बने विंड चेन होते हैं। जियांग जोई को बताते हैं कि ये विंड चेन मरे हुए लोगों की आत्माओं को शांति देते हैं और उन लोगों को दिलासा देते हैं जो जिंदा है। फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। वो एक जगह पर पहुँचते हैं जिसका नाम फील ऑफ थे अंडर रिंग होता है, जहाँ जियांग देखते हैं कि वहाँ एक आदमी जिंदा होता है जो बहुत ही प्यासा था। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। जियांग उसकी मदद करने लगते हैं। तभी वो जोई को देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि वो फॉक्स डेमन है और उस पर अटैक करने लगता है। जोई जियांग से कहती है कि एक लोमड़ी शिकारी है और हर कोई मुझे मारना क्यों चाहता है, इसीलिए उस पर हमला कर देती है। लेकिन जियांग उसे रोक लेते हैं तो जोई मैप लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो आदमी प्यास की वजह से मरने लगता है और वो मरते मरते जियांग को कहता है कि माउंट योडू पहाड़ पर फॉक्स डेमन है। वहीं जोई एक ऐसी जगह पर पहुँचती है जहाँ बहुत सारे क्रो होते हैं जो जोई पर हमला कर देते हैं, जिससे जोई के हाथ से खून निकलने लगता है। खून की बूंद जैसे ही जमीन पर गिरती है तो वहाँ दबी हुई सारी आत्माएं जागृत हो जाती है और वो एक बड़े से राक्षस का रूप ले लेती है। वो राक्षस जोई पर हमला करने लगता है लेकिन तभी जियांग वहाँ आकर जोई को बचा लेता है। फोर लेग भी उस राक्षस पर अटैक करता है लेकिन वो इससे बेहोश हो जाता है, तो जियांग जोई को वहाँ से भागने को कहता है। जोई फोर लेग को लेकर वहाँ से भागने लगती है लेकिन तभी फोर लेग की आँख खुल जाती है और वो जियांग की मदद करने के लिए जाता है। वहीं वो राक्षस जियांग पर भारी पड़ रहा होता है क्योंकि जियांग के पास अब अपनी शक्तियाँ नहीं थी। जोई भी वहाँ पहुँचकर राक्षस पर हमला करने लगती है। तभी उसका बैग नीचे गिर जाता है जिससे आत्माओं की विंड चेन वहाँ लटक जाती है। वो राक्षस विंड चेन की तरफ आकर्षित होने लगते हैं तो जोई उस विंड चेन को नीचे फेंक देती है जिससे वो राक्षस भी नीचे चले जाते हैं। जोई जियांग से पूछती है कि वो आत्माएं कौन थी, तो जियांग उसे बताते हैं कि वो उन सिपाहियों की लाशें थी जो युद्ध में मारे गए और उनकी आत्माओं को सही से दफन नहीं किया गया। अब फोर लेग और जोई भी दोस्त बन जाते हैं क्योंकि जोई ने जियांग की मदद की थी। फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं जहाँ वो माउंटेन योडू के प्रवेश द्वार पर पहुँचते हैं। जोई को काले फूल नजर आ जाते हैं लेकिन तभी लियो भी वहाँ आ जाता है। वो जियांग को कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि हम सीमा से बाहर नहीं आ सकते, तो जियांग उसे कहते हैं कि ये वही लड़की है जिसे मैंने नाइनटेल के अंदर देखा था, इसीलिए जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चल जाता तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो लियो जोई की गर्दन पकड़ लेता है और उस पर अटैक करने लगता है क्योंकि उसे भी लगता था कि वो एक फॉक्स डेमन है। लेकिन तभी फोर लेग उस पर अटैक करके उसे बचा लेता है जिससे वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं। जोई फोर लेग को ढूंढने जाती है तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जोई को लगता है कि उसके डेड उसे पुकार रहे हैं, इसीलिए उस आवाज की तरफ चली जाती है जहाँ एक पागल आदमी जोई को पकड़ लेता है जिसने बहुत से लोगों को बंदी बना रखा था। तभी वो आदमी जोई के पैर में वो ब्रेसलेट देखता है और वो जोई को कहता है कि एक नियति का ताला है जो दो आत्माओं को एक साथ जंजीर में बांधता है और इस जंजीर में बंधे हुए लोगों में से कोई एक अगर मर जाता है तो दूसरा भी मर जाता है। फिर वो उस जंजीर को एक्टिवेट करने लगता है क्योंकि वो फॉक्स डेमन को खत्म करना चाहता था क्योंकि उसकी वाइफ को भी फॉक्स डेमन ने मार दिया था। उस ब्रेसलेट के एक्टिवेट होने से जिया को बहुत दर्द होता है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर जियांग दौड़ते हुए आते हैं लेकिन वो पागल आदमी जोई को मारने लगता है जिससे जोई में मौजूद नाइन टेल की सोल बाहर आ जाती है और वो जोई को लेकर भागने लगती है। यह देखकर जियांग और लियो भी उसका पीछा करते हैं जिससे वो माउंट योडू पहाड़ पर पहुंच जाते हैं जहां नाइन टेल मौजूद होती है। जियांग और लियो उसे वहां देखकर हैरान होते हैं क्योंकि गॉड ने उसे पवित्र अस्त्र से मार दिया था। तो नाइन टेल जियांग को कहती है कि उन्होंने मुझे मार तो जरूर दिया था लेकिन जब तुमने इस लड़की को बचाने के लिए इसकी सोल को बाहर निकाली तो मैं इस ब्रेसलेट की वजह से जिंदा बच गई और मैं फिर से पुनर्जीवित हो गई। जियांग उस पर हमला करने लगते हैं लेकिन जियांग जिया के पास अब उनकी शक्तियां नहीं थी, इसीलिए वो उसके सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। लियो भी नाइन टेल पर हमला करता है लेकिन वो भी उसका सामना नहीं कर पाता। तभी नाइन टेल उन्हें बताती है कि जो ये काम लड़की थी लेकिन मैंने इसके शादी वाले दिन इसके शरीर पर कब्जा कर लिया, मगर इस ब्रेसलेट की वजह से मेरी बहुत सी पावर इसके अंदर है, इसीलिए वो उसे अपने अंदर समाने लगती है। तो जियांग और लियो दोनों मिलकर उस पर हमला करने लगते हैं। वो उस चेन को तोड़ने की काफी कोशिश करते हैं ताकि वो जोई को बचा सके लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते और नाइन टेल उन्हें पकड़ लेती है। तभी वहाँ फोर लेग अपनी पूरी पावर से नाइन टेल पर अटैक कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। वहाँ वो पागल आदमी
आदमी भी मौजूद होता है और वो नहीं चाहता था कि नाइनटेल की पूरी शक्तियाँ उसके पास आ जाए, इसीलिए उस जंजीर को मंत्र की मदद से फिर से डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे फोर लेग जियांग जोई और लियो को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जोई जियांग को कहती है कि तुम सही थे कि माउंट योडू में कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा है। तभी कुछ दूर तक जाने पर फोर लेग कमजोर होकर गिर जाता है क्योंकि नाइनटेल ने उसे इंजर्ट कर दिया था। जियांग उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उसे नहीं बचा पाते और फोर लेग अपना दम तोड़ देता है। यह देखकर वो सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी फोर लेग की आत्मा उन सभी के पास आती है और वो उन सभी से मिलकर चली जाती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि नाइनटेल उस पागल आदमी को भी मार देती है क्योंकि उसकी वजह से जोई और बाकी सब उसके हाथ से निकल गए थे। वहीं अब लियो को भी एहसास हो जाता है कि जियांग ने नाइनटेल में जोई को देखा था, वो कोई भ्रम नहीं था। फिर उसे ये भी कहता है कि अगर गॉड ने नाइनटेल को जोई से अटैच किया था तो तुम जब नाइनटेल फॉक्स को मारने वाले थे तब मास्टर ने ऐसा क्यों कहा कि नाइनटेल फॉक्स के अंदर कोई लड़की नहीं है और बस वो एक भ्रम है। तो जियांग उसे कहता है कि इसका जवाब तो मास्टर ही देंगे। इसके बाद जियांग हेवन में जाने के लिए एक मंत्र बोलता है लेकिन उस मंत्र का कोई असर नहीं होता क्योंकि मास्टर उसे वहाँ नहीं आने देना चाहते थे। तो अब लियो जियांग के लिए एक मंत्र बोलता है और उसे मास्टर से कनेक्ट कर देता है। जियांग मास्टर और गॉड से कहता है कि आपने क्यों जोई को नाइनटेल से कनेक्ट किया और जब मैंने आपको कहा था कि नाइनटेल के अंदर एक मासूम लड़की है तो आपने ऐसा क्यों कहा, क्यों मेरा भ्रम था। तो मास्टर उसे बताते हैं कि नाइनटेल को रोकने के लिए उसकी पावर को किसी बॉडी में कैद करना जरूरी था, इसीलिए मैंने जोई को नाइनटेल फॉक्स के साथ जोड़ दिया था। साथ ही मैंने तुम्हें वैसा इसलिए कहा था क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ है और तुम सभी प्राणियों के बारे में सोचते हो पर तुम संसार के भले के बारे में निर्णय नहीं लेते, क्योंकि अगर तुम उसे मार देते तो उसे लाखों जाने बच जाती और यही हम देवताओं का नियम है। तो जियांग उन्हें कहता है कि मुझे देवता नहीं बनना, बस मैं हर किसी को बचाना चाहता हूँ, इसीलिए मेरे लिए एक जान उतनी कीमती है जितनी की हजारों जाने। तो मास्टर उसे कहते हैं कि उस ब्रेसलेट को अब नहीं तोड़ा जा सकता, इसीलिए अब जोई को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है पुनर्जन्म। इसीलिए अगर तुम्हें जोई को बचाना है तो तुम्हें उसे बदलते जीवन की तरफ लेकर जाना होगा जहाँ जोई का दूसरा जन्म होगा। तो जियांग गुरुजी को शुक्रिया कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जियांग और लियो जोई को लेकर बदलते जीवन की तरफ जाते हैं जहाँ के द्वार को जियांग अपनी छड़ी की ताकतों से खोल देता है। फिर वो दोनों बदलते जीवन की तरफ बढ़ने लगते हैं लेकिन तभी उन्हें नाइनटेल फॉक्स के आने की आवाज़ सुनाई देती है। तो लियो जियांग से कहता है कि तुम जोई को लेकर आगे जाओ, मैं उस राक्षस को रोक लूंगा। तो जियांग जोई को लेकर आगे बढ़ जाता है जहाँ रास्ते में जियांग जोई से कहते हैं कि अब तुम्हारा पुनर्जन्म होगा और अगले जन्म में तुम्हारा एक परिवार होगा, तुम एक साधारण इंसान होगी। वहीं दूसरी तरफ लियो नाइनटेल फॉक्स से लड़ने लगता है लेकिन नाइनटेल बहुत ताकतवर होती है इसीलिए उसे रोक नहीं पाता और नाइनटेल उसे जान से मार देती है। वहीं दूसरी तरफ जियांग जोई को लेकर बदलते जीवन के चेंबर तक पहुंचते हैं और वो जोई के पुनर्जन्म की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है लेकिन तभी वहाँ नाइनटेल फॉक्स पहुंच जाती है। जियांग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो चेंबर तोड़ देती है जिससे उसमें कैद फॉक्स कबीले की सारी आत्माएं आजाद हो जाती है। तो जियांग नाइनटेल से कहते हैं कि इस चेंबर में होने के बाद भी इन आत्माओं का पुनर्जन्म क्यों नहीं हुआ। तो नाइनटेल फॉक्स उसे बताती है कि कई सालों पहले गॉड ने मुझे पूरे फॉक्स कबीले को मारने को कहा था जिसके बदले उन्होंने मुझे अगला गॉड बनाने का वादा किया था और लालच में मैंने ये शर्त कबूल कर ली और मैंने फॉक्स कबीले के सारे इंसानों को मार डाला लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया और मुझे ना तो गॉड बनाया और ना ही उन्होंने मेरे फॉक्स कबीले के सभी साथियों का पुनर्जन्म किया। ये सुनकर जियांग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद नाइनटेल फॉक्स अपने सभी साथियों की आत्माओं के साथ हेवन पर अटैक करने के लिए निकल जाती है। यह देखकर गॉड नाइनटेल फॉक्स को मारने के लिए उस पर अपना दिव्य अस्त्र छोड़ते हैं। जियांग जोई को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उस ब्रेसलेट की चेन को नहीं तोड़ पाते और वो आत्माएं उनके मार्ग में बाधा बनती है जिससे वो जोई को नहीं बचा पाते और दिव्य अस्त्र की वार की वजह से सभी आत्माओं के साथ साथ जोई भी खत्म हो जाती है। अब नाइनटेल फॉक्स के खत्म होते ही मास्टर अपने वादे के अनुसार जियांग को नया गॉड बना देते हैं लेकिन जियांग को ये सब अच्छा नहीं लगता कि एक ऐसा न्याय है जहाँ किसी मासूम की जान ले ली जाती है और किसी को सुधरने के लिए दूसरा मौका भी नहीं दिया जाता। फिर जियांग जब अपनी पोजीशन संभालने के लिए जिंगशी हॉल की तरफ जाते हैं जहाँ पिछले गॉड के अधिकारी जियांग को हेवन में आने से पहले उसे सर झुकाने को कहते हैं लेकिन जियांग ऐसा नहीं करते क्योंकि वो ऐसे गॉड के आगे सर नहीं झुका सकते थे जिन्होंने अन्याय किया हो। फिर जियांग सभी आत्माओं को न्याय दिलाने के लिए अपनी गॉड की पावर से जिंगशी हॉल को ही तबाह कर देते हैं जिससे पिछले गॉड मास्टर के साथ साथ उनके अधिकारी भी हेवन प्रिजन में कैद हो जाते हैं। फिर वहाँ कैद सारी आत्माएं आजाद हो जाती है और वो फिर से पुनर्जन्म ले लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब धरती पर सभी आत्माओं ने पुनर्जन्म ले लिया था जिससे धरती वापस हरी भरी और
खुशहाल हो गई थी और साथ ही हम जोई फोरलेक और लियो को भी देख पाते हैं जिनका पुनर्जन्म हो गया था। और अब लियो जोई का अपनी बेटी की तरह ख्याल रखने लगता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और गाइस अगर आप इसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।